हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके पास आया हूँ। मेरी जो वीडियो थी शतावरी और अश्वगंधा वाली, दोस्तों ये ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि सबसे पावरफुल, अश्वगंधा की बात करें तो सबसे पावरफुल जड़ी बूटियों में इसका नाम आता है। इसलिए दोस्तों इसे लेने की सलाह मैंने भी दी है। जितने भी नेचुरल एनर्जी बूस्टर प्रोडक्ट हैं सभी में इसका यूज होता ही होता है। आप कितने भी मसल गेनर और भी जितने भी प्रोडक्ट आप देखेंगे सभी में अश्वगंधा का यूज होता ही होता है। तो आप अश्वगंधा को अलग से भी परचेज करके उसका यूज कर सकते हैं। तो अलग से अगर इसकी डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप उन वीडियोज़ को देख लेना। इस टॉपिक पर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, काफ़ी व्यूज हैं। अब दोस्तों जैसा कि गर्मी का टाइम चल रहा है, मतलब गर्मी चल रही है, तो दोस्तों गर्मी से रिलेटेड इस पर कमेंट आने ही आने हैं। तो कमेंट क्या आता है, कमेंट आता है कि क्या गर्मियों में ऐसे, मतलब शतावरी अश्वगंधा को गर्मियों में ले सकते हैं, कितना ले सकते हैं। सबसे मेन बात है दोस्तों फ़ायदा ही होना चाहिए, नुकसान नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देख रहे हैं आप टेम्परेचर कितना हाई हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर भी हाई है और दोस्तों ये भी तासीर में गर्म होती है, तो इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर और हाई होगा तो आपको गर्मी ज़्यादा लगेगी, पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, प्यार बनाए रखिए। वैसे तो दोस्तों आप इसे एक चम्मच भी खा सकते हैं, पर जैसे कि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो आपको क्या करना है, इसकी डोज को कम कर देना है, मतलब आधा चम्मच, तो वो एक से डेढ़ ग्राम रह जाएगा, बस इतना ही रह जाएगा। तो आपको इतना ही लेना है, आधा चम्मच। और सबसे बड़ी बात, इसे लेना है गर्म दूध में, मतलब दूध के साथ ही लेना है। अगर पानी से आप लेंगे तो जैसे ही गर्मी हो रही है पानी में सही नहीं, दूध से लीजिए, इसकी गर्मी भी थोड़ी कम हो जाती है। दूध के साथ लेने से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, गर्मी कम हो जाती है। और दोस्तों उसके साथ में आपको क्या करना है, आपको एक बनाना भी ले लेना है, एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों बनाने की तासीर ठंडी होती है। जब आप इसे इसके साथ लेंगे तो इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं, तब आप देखना कितनी जल्दी मसल गेन होंगी, बॉडी में चेंजेस अलग ही देखने को मिलेंगे। और आपको क्या करना है गर्मी में और अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, ज़्यादा नुकसान न करे, तो आपको धागे वाली मिश्री ले आनी है और जितनी आपकी शतावरी अश्वगंधा है इतनी ही मिश्री आपको उसमें पीस कर मिला लेनी है। तब आप आधा चम्मच दूध के साथ लीजिए, केला खाइए और बॉडी देखिए कितनी ज़बरदस्त बनेगी। जय हिंद।